चिलमपुरी चौकी के सामने दिन दहाड़े चली गोली, गोली चलने से इलाके में दहशत, पैसों के लेन देन को लेकर चली गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच। पूर्वी दिल्ली की पुलिस के हाथ लगी एक अहम कामयाबी, गाजीपुर में हुई किडनैपिंग का मामला सुलझाया, चार किडनैपर्स को किया गिरफ्तार, फिरौती की रकम भी पुलिस ने की बरामद, किडनैपर से पुलिस कर रही पूछताछ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना की दहशत, बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में खौफ, लोगों का कहना सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। निगम में कम रेवेन्यू आने के लिए आप जिम्मेदार, दिल्ली सरकार के फंड ना देने से निगम में तंगी, मेयर ने कहा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर कोशिश जारी। पूर्वी दिल्ली में मनाया जा रहा क्रिसमस का फेस्टिवल, कोरोना को देखते हुए इस बार रौनक कम, ऑनलाइन ही लोग देख रहे प्रार्थना, कोरोना की वजह से नहीं मिली लोगों को एंट्री, एंट्री ना मिलने से लोगों में निराशा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शहादरा जिले के कृष्णानगर इलाके के ओल्ड सीलमपुर मार्केट में आज ओल्ड सीलमपुर पुलिस चौकी के सामने गोली चली। बताया जा रहा है कि गोली दोपहर 12 बजे चली, पैसे के लेन देन की वजह से गोली चली है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस चेक कर रही है। थोड़ा पैसों का लेन देन का मसला था, वो छोटे वाले भाई पे आए, दो तीन जने गाली गुप्पड़ करी उन्होंने आकर के, और फिर उसमें से डांट डूट के उन्हें भगा देते उनके भैयाओं को यहाँ से। तो उसमें बाद में तीन भैया आए, वो निकल करके जो सबसे बड़ा वाला था, तीन भैया उनमें से एक ने पिस्टल ले रखी थी हाथ में, उनने सीधी हमारे ऊपर फायरिंग करी, हम भग करके एकदम घर में चल गए। चढ़ने के बाद में हमने गेट वगैरह बंद किया तो उनने दूसरी फायरिंग हमारे ऊपर करी, दोनों फायरिंग ऊपर करने के बाद में गोली तो लगी नहीं, बच गई हम, बाकी गेट में गोली वगैरह लगी, सीधी वारदात करी उनने आकर के। कुछ नहीं सर, वो थोड़ा पैसों का लेन देन था, पैसे कुछ थे नहीं उसके, फिर भी उन्होंने पैसे वगैरह बता रहा था, वो पैसे हैं अपने 5000 रुपये के ऊपर लेन देन, वो साथ में आए थे, हमने यहाँ से डांट डपट के भगा दिया उसे, भाई तुम जाओ, वाली साहब भी थे उनके, वो गए, जाने के बाद एक अपने भैया को लेकर आए, वो काम के रिलेटिव थे, वो स्क्रैप का काम है हमारा, तो उसके रिलेटिव पैसे थे 5000 रुपये कुल, हमने दे दिए थे, वो कह रहे नहीं दिए, हमने चार आदमियों के सामने दिए थे पैसे, और वो कोई दिक्कत नहीं, उनने वहाँ से अपने भैया को लेकर आया, एक भैया उसका वो लेकर आया पिस्टल, और एक भैया ने हथौड़ी, एक भैया के हाथ में पाइप, और भैया ने आते उसने फायरिंग करी एक, पहले हम जब भगे तो मोनिटर रखे हुए थे वहाँ, पैर वैर फिसल गया हमारा, सीधी करी उनने फिर एक हमारे ऊपर, हम गेट में चढ़े हैं, हमारी गर्दन और सर दोनों के बचे हैं, सीधी पड़ी गेट में वो, फिर एकदम ने वो दोबारा करता, अगर हम वहाँ खड़े रहते तो हम एकदम ऊपर चढ़ गए और गेट बंद कर। हाल ही में ईस्ट दिल्ली के अंदर एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक फूल विक्रेता को गाजीपुर फूल मंडी के पास से उसी की गाड़ी में किडनैप किया गया था। पुलिस के मुताबिक किडनैपर्स ने युवक के फोन से कॉल कर उसके घर वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जो 50 लाख रुपए में फाइनल की गई। DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मास्टरमाइंड के तौर पर किडनैप एक लड़की गिरफ्तार हुई है। ने बताया कि किडनैपर्स ने दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाड़ी घुमाई, जो लगभग 70 किलोमीटर गाड़ी चली, 150 CCTV की मदद से किडनैपर तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। वहीं फिरौती के रूप में मांगी गई रकम से भी काफी रुपए जो है बरामद किए गए हैं। PIA का एक किडनैपिंग फॉर रैंसम केस था, काफ़ी सेंसेशनल रहा। 17 तारीख को ये वारदात हुई अराउंड सुबह 7:30 बजे, गाजीपुर जो फूल मंडी है दरअसल वहाँ से ये वारदात शुरू होती है, बट इसकी रिपोर्टिंग होती है 18 दिसंबर को, और इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो हैं किंसुक अग्रवाल, ये बेटे हैं विकास अग्रवाल के, और विकास अग्रवाल जी के 2 बैंक्वेट्स हैं, और ये वारदात उनके बेटे के साथ होती है। इनके बेटे सुबह 7:30 बजे फूल लेने के लिए अपनी फ्लावर डेकोरेटर और अपने ड्राइवर के साथ मंडी आते हैं, और यहाँ पर अराउंड 1-1.5 घंटा इनकी शॉपिंग होती है, और जैसे ही ये गाड़ी में बैठते हैं इनके साथ एक ये किडनैपर, साथ में पूरा उसने कैप और अपना हुलिया सब छुपा के ये गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और उनके पीछे कमर पर पिस्टल लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आप अंदर बैठिए, और उनको बिठाकर
उन्हीं के ड्राइवर के साथ ये गाड़ी को बोलते हैं कि आप चलाना शुरू करें। करीबन 150 CCTV फुटेजेस का एनालिसिस हुआ इसमें और पूरा ट्रेल बना, शुरुआत से लेके अंत तक, और इस पर टेक्निकली जो हमारे CDRs और IPDRs पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। फिर इसमें फाइनली हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया। कोरोना वायरस के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में दहशत फैल रही है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं लोगों का कहना है कि पहली और दूसरी लहर में लॉकडाउन में लोगों को जो है काम धंधे पर काफी असर पड़ा था, जिसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। तीसरी लहर आ रही है, इस लहर को लेकर पब्लिक में काफ़ी दहशत है, क्योंकि पहली लहर में ही इतना नुकसान हुआ तो तीसरी आने पर देश का क्या होगा। इसलिए हम लोगों को हाथ अच्छे से धोकर, मास्क लगाकर और डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए। पहली जो लहर आई थी आम आदमी को बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, रोटी खाने तक भी परेशान हो गया था, और अगर लहर आई काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तीसरी लहर जो आ रही है बहुत खतरनाक आ रही है, इससे हमको बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। आम पब्लिक को भी मास्क लगा कर घूमना पड़ेगा और इसके साथ साथ सावधानी बरतनी हमें चाहते हैं। लॉकडाउन ना लगे, पब्लिक वैसी बहुत तंग आ चुकी है, वो आगे तीसरी लहर में लॉकडाउन ना लगे। लहर आ रही है उससे एक आम इंसान तो बहुत ज़्यादा डर गया है, क्योंकि जो पहली लहर आई थी तब इतना बुरा हाल था, अब दूसरी लहर आई है उसमें लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के घर तक घर उजड़ गए, डर लग रहा है कि अब क्या होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MCD पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईस्ट MCD में बिल्डिंग डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कुछ सालों से कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2018-19 में 156.32 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में 82.22 करोड़ और साथ ही साल 2020-21 में 39.39 करोड़ और साल 2021-22 में 37.62 करोड़। इस पर CCN के रिपोर्टर वंदना ने ईस्ट MCD के मेयर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले सालों में बिल्डिंग ज्यादा बनी थी तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रेवेन्यू ज्यादा आया, साथ ही अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं BJP नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि निगम का रेवेन्यू दिल्ली सरकार की वजह से घटा है, दिल्ली सरकार समय पर निगम को फंड नहीं देती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। नक्शे का अभी तक पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आया था वो 18-19 में आया था, जो कि 49 करोड़ रुपए था। 49 करोड़ रुपए आने की जो सबसे बड़ी वजह थी, उस साल में यमुना पार में एक मंडोली जेल बनी थी, यमुना पार में इतिहास हॉस्पिटल बना था, जिनके नक्शे पास करवाने के में 10 करोड़ रुपए आए थे, इस कारण 49 करोड़ हो पाया था। उससे पहले कभी 26 करोड़, कभी 35 करोड़, कभी 24 करोड़, इस साल का भी दिसंबर टिल टुडे 24 करोड़ रुपए आ चुका है। अभी लगभग 3.5 महीने बाकी हैं, हमें लगता है कि 35 करोड़ के आसपास आएगा। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जो उनकी अपनी पार्टी के निगम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड देख लिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके निगम पार्षदों के वार्ड से बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आता। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बिल्डिंग विभाग का रेवेन्यू कम होने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्हीं के कारण से दिल्ली में बार बार पोल्यूशन बढ़ता है और निर्माण गतिविधियां रुकती हैं। इन्हीं के कारण से पिछले साल बेतहाशा कोविड के केसेज में वृद्धि हुई और तब भी सारी गतिविधियाँ बंद रहीं। जो गतिविधियां बंद करने के जिम्मेदार हैं वो रेवेन्यू की चिंता कर रहे हैं, रेवेन्यू कम ही उनकी वजह से है। केजरीवाल सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और MCD के हिस्से का पैसा तुरंत देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के चर्चों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, चर्चों की रोशनी से सजाया गया है। कोरोना की वजह से लोगों को चर्च में एंट्री नहीं मिल रही, एंट्री न मिलने से लोग मायूस दिखे और चर्च के बाहर भी जो लोग हैं वो प्रार्थना करते हुए नजर आए। ऑनलाइन ही लोगों ने प्रेयर को देखा और चर्च में कोरोना नियमों का भी पालन किया जा रहा। कोरोना को देखते हुए चर्च में सख्ती है और साथ ही लोगों ने चर्च के बाहर कैंडल को जलाया और प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना की। और चर्च के फादर ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम, आनंद, आशा और शांति की शिक्षाओं को भी याद करते हुए उनके जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा दिन है क्रिसमस, आपको देख सकते हैं बाहर कितने लोग
इकट्ठा हो चुका है, लेकिन कोविड की वजह से लोगों को एंट्री नहीं दे पा रहे। प्रेस करके हम ऑनलाइन टेलीकास्ट कर रहे हैं। सर्विस करने के लिए परमिशन मिल चुका है, लेकिन गैदरिंग इज नॉट अलाउड। चर्च का जो गेट है वो फिलहाल बंद है, वो इसलिए क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और नया वेरियंट जो है वो भी आ चुका है। ऐसे में चर्च के अंदर का जो माहौल है थोड़ा सा सूना जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चर्च के गेट की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। बच्चे, आप लोग अंदर आना चाहते हो? हाँ। हर साल आते हैं आप लोग यहाँ? वैसे तो डेली ही आते हैं यहाँ पे, पर आज हमें अंदर आने को नहीं मिल। कोविड चल रहा है तो अंदर नहीं आने दिया जा रहा है सबको। बहुत दुख हो रहा है इस बात का। ये तो देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। जो लोग हैं वो अंदर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और साज सजावट की बात करें तो यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ की गई थी। जनता है उनको भी रखा गया है, क्योंकि बच्चे इस तरीके की चीजें देखकर बेहद खुश होते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि चर्च के अंदर जो है वो आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट सीसीएन। पूर्वी दिल्ली में सड़क की हालत खस्ता होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। शाहदरा जीटी रोड की सड़क पिछले एक साल से खराब है। पहले पानी की पाइपलाइन और फिर सीवर की लाइन जो है वो टूट गई थी और दोनों लाइन को सही तो किया गया लेकिन सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया। सड़क की रिपेयरिंग ना होने से धूल उड़ती है, साथ ही पॉल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी से जूझना पड़ता है। सड़क टूटने की वजह से आए दिन सड़क हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। ई रिक्शा तो हर दो दिन बाद पलटता रहता है यहाँ पे। दिन में 4-5 बार ही पलट जाता है ई रिक्शा, जो बैटरी वाला रिक्शा है वो 4-5 बार ही पलटता है। वो भी स्लिप कट जाता है, वो भी गिरते पड़ते हैं। किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो बैठने लायक ही जगह नहीं है, इतनी धूल रहता आपके सामने ही है। परेशानी मैडम बन नहीं रही कुछ। जो जो टूटी हुई है वही नहीं पता वो ठीक कर पाए। कहते आज कर देंगे, कर देंगे। कंस्ट्रक्शन बंद पड़ी है, कोई लेबर नहीं है मैडम, कोई सुधी नहीं है कोई किसी की। खुद ही अपने खुद के पेपर सीवर जो पाइप थे वो फट गए थे इसके। वो लाइन ठीक कर दी गई है, लेकिन वो ये कि सड़क नहीं बनी अभी तक। कई 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 फ्रैक्चर भी हुए हैं, कई कई नुकसान भी हुआ, कई होगा। जो फैमिली वाले हैं उनको ज़्यादा नुकसान है इसके अंदर। जो स्कूटर पर आते हैं उनको बहुत ही नुकसान है उनको। मैडम कुछ कह नहीं सकते। पहले पाइप फटे हुए थे पानी के, पानी पानी रहता था यहाँ पर, बहुत बुरा हाल था। रोज़ लोग मरते हैं, कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं यहाँ पर, फिर फट चुके हैं यहाँ तक। काफ़ी कई रोज़ रिक्शे पलटते रहते हैं, कोई ना कोई भारी सामान लेकर पलट जाता है, फिर यहाँ से उठाने जाते हैं और किसी के चोट भी लग जाती है, लेडीज़ें गिर जाती हैं। यहाँ मैडम रोड की बहुत समस्या है। पहले तो यहाँ पाइप टूटे हुए थे, कई बार पाइप डले, 2-4 बार ऐसे हुआ पाइप डाला, फिर दूसरे दिन कंप्लेंट आ गई। और इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, चाइना तक जाती है और ये बहुत ही बुरा हाल है। आप अपने सामने देख लो कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितनी रोड में दिक्कत आ रही है। आपके सामने ही है, देखो ना, मलबा पड़ा हुआ है, जो खड्डे भी हैं, मलबा भी है, कुछ कोई काम नहीं हुआ, ये बेकार की बातें सब। कोरोना का ग्राफ फिर से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार लोगों को कोरोना नियमों को पालन करने के लिए बोला जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिनों दिन अपने पैर पसारता नजर आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि हम लोगों को बिल्कुल भी कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज भी करना चाहिए, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएं। देखिए दिल्ली में जो है वो सेकेंड वेव चलते चलते, सेकेंड वेव अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी पूरी तरह, कि ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस है ये दिल्ली में आ गया है और डेफिनेटली इसको जो है वो थर्ड वेव की दस्तक माना जा सकता है। दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लग गए हैं और ये पिछली बार की तरह नहीं होगा। जैसे डेल्टा वेरिएंट में हमें फिर समय मिल गया था केसेस जब बढ़ रहे थे, तब इस बार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं हम ये उम्मीद करते हैं कि कई हज़ारों कई लाखों में जो है केसेस बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे समय में जहाँ पे फेस्टिवल का टाइम है, साल का एंड है, सर्दी का टाइम है, ऐसे टाइम में जो है वो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए। देखिए दिल्ली के अंदर जो है हम ये मान के चलेंगे कि तीसरी लहर की दस्तक आ गई है। ये कह पाना कि कब तक इसके केसेस मैक्सिमम पीक में जाएंगे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वेरिएंट टोटली अलग बिहेव करेगा पहले वाले वेरिएंट से। मगर जो हम अगर सब लोगों की माने और देखें कि जो दुनिया भर में जो है जो जिस हिसाब से ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने चपेट में ले सकता है। नया वेरिएंट है, इसके बारे में
अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता भी नहीं है किसी को कि इससे किस तरीके का ये ख़तरनाक होगा या ना नहीं होगा। कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें माइल्ड डिजीज़ वो बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसकी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से प्रकोप आएगा। और इसके लक्षण भी अलग हैं इसके लिए, क्योंकि अभी बहुत जानकारी नहीं है, तो नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा। राजनीति के युग पुरुष, सुशासन के संवाहक, आप प्रीतम वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूर्वी दिल्ली में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोलानाथ नगर में फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजन किया गया। इस मौके पर 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 4 लड़कों की टीम थी और 4 लड़कियों की। जीतने वाली टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि वहीं पूर्वी दिल्ली के जुग्गियों में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निगम पार्षद अंशू कमलकांत ने निगम स्कूल के बच्चों को जूते बांटे, और जिस दौरान निगम के 5 स्कूलों के बच्चे आए हुए थे और लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों को जूते दिए गए हैं। देखिए, अटल जी इस देश के सबसे बड़े नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। उनका सम्मान सभी दल करते थे, पूरा देश उनका सम्मान करता था, पूरा विश्व उनका सम्मान करता था। आज उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, और हम सब लोगों ने, क्योंकि आज का दिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने जो स्कूल, हमारे जो नगर निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं जिनको अटल जी बेहद प्यार करते थे, आज उन सबको हम यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ वितरण कर रहे हैं। क्योंकि अटल जी का एक सपना था कि हमारा बच्चा आगे बढ़ करके एक अच्छा नागरिक बने। ये कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा है। 250 बच्चों को स्पोर्ट्स शूज़ वितरण का ये कार्यक्रम है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो निगम स्कूल के बच्चे हैं वो किसी से भी कम नहीं है अन्य किसी स्कूल से, और हम सभी प्रयास है हमारा अपने निगम के स्कूल के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए, अच्छी उनको पढ़ाई का अच्छा वातावरण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। निगम के जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स शूज़ का वितरण किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहीं श्रम कार्ड का वितरण हो रहा है, कहीं भंडारे का आयोजन हो रहा है, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी दिल्ली में इस प्रकार के उनकी जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका ना आज जन्मदिन है, और आज कमलकांत और अंजू जी ने ऐसे त्यौहार की तरह बना दिया यहाँ पे बच्चों के स्कूल, निगम के जो अंडर में आते हैं स्कूल, वहाँ पे ऐसा उत्साह ऐसा दिखने को दिख रहा है जैसे कोई दिवाली या दशहरे का कोई त्यौहार हो। बेटों की नहीं, बेटियों की टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के भी आज मैं इस मुहिम को चल रही हूँ कि बेटियों को भी आज देश की बेटियाँ, एक देश की बेटी एक प्रधानमंत्री भी हो सकती है, राष्ट्रपति भी हो सकती है, एक महिला उद्यमी भी हो सकती है, तो देश की एक बेटी आज बहुत बड़ी खिलाड़ी भी है और देश का नाम विदेश में जा करके रोशन करके आती है। आज हम लोगों ने उनके लिए प्राइज़ रखा है कि शील्ड है, और 2100 रुपये उसके उनके लिए नगद इनाम भी है। लगभग 20 टीमें अब तक खेल चुकी हैं, और जिसमें से 4 टीमें लड़कियों की भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर और तुलसी पूजन के समारोह दिवस पर उन्होंने एक भव्य क्रिकेट सद्भावना टूर्नामेंट का आयोजन किया था लौकुश पार्क भोलानाथ नगर में, जिसका बहुत ही भव्य तरीके से इसका संचालन किया गया। नव युवकों को, बच्चों को चेतना और उनको आगे बढ़ाना, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया हमारा नारा है। कार्यक्रम में जो भी बच्चे जीतेंगे उनके लिए गौतम गंभीर जी के साइन किए हुए छोटे से बैट्स हैं और शील्ड उन्हें दे करके आगे उनका हौसला बुलंद करते हुए रोज कार्यक्रम करवाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।